हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हो गया है पूरा शाम, ये देखो। और मैंने आपको कहा था ना, मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था, वहाँ डिज्नीलैंड का मेला लगा था। तो अभी हम लोग वो मेला घूमने के लिए जा रहे हैं। और चलिए मैं आपको भी मेला अपने साथ घुमाती हूँ और देखती हूँ क्या क्या वहाँ पर हम लोग मेला में शॉपिंग करेंगे और कैसा मेला लगा हुआ है वो सब हम देखेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेले में। अभी जस्ट ये देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और बाबू भी रेडी हो गई है और हम लोग अभी जा रहे हैं मेला के लिए। सही वे करी उसमें जो सब्जेक्ट में कॉमर्स हो गया, close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So guys, ye dekhiye, hum yahan par aa gaye hain. और बहुत सारी लाइटिंग्स की यहाँ पर लगा के रखा है इन लोगों ने। देखिए कितना अच्छा सफर हो रहा है, कितना अच्छा फेस आ रहा है और बहुत भीड़ भी लगी हुई है। चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर इस जगह पर ये पहली बार लगा है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का बाईसी माँ का मंदिर है। मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में, मैंने एक छुटकू सा व्लॉग डाला था उसमें। ये देखिए, और यहाँ पर ही डिज्नी मेला लगा हुआ है इधर साइड में। तो पहले मैं मंदिर का दर्शन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मेला जाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर काली माँ भी है। सो गाइस, मंदिर का दर्शन हो गया है और अब हम चलते हैं मेला देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ही लगा हुआ है। तो ये देखिए गाइस, हम आ गए हैं डिज्नीलैंड के अंदर। और ये देखिए, सबसे पहला स्टोर है शूज का। देखोगे क्या? हाँ, आ रहे इधर बैग का शेल है। देखो मम्मी चूड़ी।
गाइस हमारा घूमना हो गया है एक्चुअली, अभी नया नया लगा है ना, आज ही स्टार्ट हुआ है तो अभी बहुत सारे स्टॉल्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये देखिए सारा खाली पड़ा है, ये देखिए। तो दो चार स्टॉल्स थे आपको मैंने दिखा दिया। तो गाइस जितने भी स्टॉल्स थे मैंने आपको दिखा दिया, और अभी तुरंत ही ये स्टार्ट हुआ है। और आज है संडे तो मैं आज यहाँ पर थी तो मैंने घूम लिया। देखती हूँ नेक्स्ट, अभी ये लंबा चलेगा शायद 1 मंथ तक। तो जब भी दोबारा टाइम मिलता है तब तक बहुत सारा स्टॉल लग जाएगा, तब हम आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत रात हो चुकी है, 10:15 हो रहा है और हम मेला से आ गए हैं। मेला से आने के बाद मैं थोड़ा सा अपना डिनर बनाने लगी थी क्योंकि नेहा की ट्रेन लेट है, वो अभी 12:00 तक यहाँ आएगी। तो मैं वेट भी कर रही हूँ, अभी बज रहा है 10:15 और मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगी। उसकी ट्रेन यहाँ पर शायद 12:00 तक पहुँचेगी। एक्चुअली वो ट्रेन 7:00 में ही आ जाती है, बट काफ़ी लेट है इस वजह से 12:00 तक आएगी। तो सब कोई सो गया है, मम्मा सो गई है, पापा भी सो गए हैं, सिर्फ ये कुहू जग रही है और मैं जगी हुई हूँ। अभी मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि वीडियो को एंड कर लूँ, और जो कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि मेरा जो एक इम्पॉर्टेंट काम है जिस वजह से मैं यहाँ पर आई थी और मैं बहुत परेशान थी। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा आप मुझे देख के बता नहीं सकोगे कि मैं कितनी परेशान थी। मैंने किसी को ये चीज़ फील भी नहीं होने दिया कि मुझे इतनी परेशानी हो रही है, बट फिर भी मेरा जो काम था वो पूरा हो गया। और आज मैं आपके साथ ये सस्पेंस रिवील करती हूँ कि एक्चुअली कौन सा काम था जो मेरा पूरा हो गया। तो ये देखिए, आपने मेरे हाथ में देखा है ना ये वाला बैंगल, ये देखिए ये पोला है, साखा और पोला बंगाली लोग पहनते हैं ना उस तरह का। ये देखिए ये पोला है, ये देखिए मैंने साखा पहन रखा है, पोला भी है ये, पर साखा मैंने गोल्ड का पहन रखा है और पोला मेरा ये प्लेन वाला है। तो ये जो मेरा पोला है वो कहीं मिसप्लेस हो गया था, हम बहुत दिनों से, मतलब पिछले तीज में मैंने इसको पहना था, बहुत टाइम हो गया। तीज होता है सितंबर के महीने में और सितंबर से अभी मार्च अप्रैल आ गया है, अप्रैल चल रहा है और वो भी अप्रैल भी पूरा ख़त्म हो गया है। तब से ये घूम गया था, जब मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स चेक कर रही थी कि ये कहाँ पर रखा है तो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने अपने ससुराल वाले घर पर सभी जगह चेक किया, कहीं पर भी ये नहीं मिला और मैं बहुत टेंस थी, बहुत ज़्यादा टेंस थी। बट फिर उसी की वजह से, थैंक्स टू यूट्यूब, इसके जो वीडियोस हैं उन वीडियोस के हेल्प से मैं ये जान पाई हूँ कि उसके बाद जितने भी व्लॉग मैंने डाले हैं उसमें कहीं किसी भी व्लॉग में मैंने ये नहीं पहना है। लिटरली मैंने सारे व्लॉग्स, एक एक व्लॉग चला के देखे हैं कि किस व्लॉग में ये मेरे हैंड में है। तो ये तीज वाले व्लॉग में मेरे हैंड में था और तब के बाद अभी तक एक बार भी मैंने इसको वेयर नहीं किया है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक रिलीफ था कि चलो मैं मायके जब जाऊंगी तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और मैं सैटरडे को दोपहर को आई हूँ यहाँ पर और तब से कॉन्स्टेंटली खोजे जा रही हूँ। फिर संडे को दोपहर को मुझे ये मिला है। और तो मेरा ये था सस्पेंस जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैं किस इंपॉर्टेंट काम से यहाँ आई हूँ। तो मेरा ये इंपॉर्टेंट काम था, ये मेरा गोल्ड का पोला खो गया था और मैं इसको ढूंढने आई थी। तो जब ये मिल गया तो अब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश थी और बहुत ही रिलैक्स्ड फील हो रहा था। थैंक्स टू यू ऑल, आपकी वजह से, आपकी प्रेयर की वजह से मेरा ये खोया हुआ सामान मिल गया। और थैंक्स टू यूट्यूब क्योंकि इसमें इसकी वीडियोस को देख के मुझे पता चला कि ये कब मैंने वेयर किया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने ढूंढा तो मुझे ये मिल गया। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय और गुड नाइट गाइस। और अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।